हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जो अपना हमारा ट्रिप है, ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग यूपी की तरफ, तो ये उसका उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो है। ये सारमती एक्सप्रेस है, तो इसी के थ्रू हम लोग जो है गाँव जा रहे थे। तो अंदर से मैंने व्यू लिया है सारमती एक्सप्रेस का, जो हमने टिकट ली थी, गर्मी ज़्यादा उसकी वजह से एसी की टिकट ली थी। सो अभी एसी भी नॉर्मल ही है, सब ले लेते हैं और सब प्रेफर करते हैं और लेना भी चाहिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो जितनी सुविधा हो आपके पास ले सकते हो आप ले सकते हो। तो ट्रेन चल रही है, उसका बाहर से वीडियो लिया मैंने, शूट किया है थोड़ा, और फैमिली के साथ जा रहा था। ये मेरी फैमिली, बहुत दिन हो गया था यूपी गया नहीं था, सो सोचा एक बार विजिट कर लें। तो आपको मेरे चैनल पे रोड ट्रिप ब्लॉग से उस पर शेयर कर रहा हूँ, ये बाहर का व्यू है। और अभी सारमती जो एक्सप्रेस है वो कोरोना जब से हुआ है स्पेशल ट्रेन में चल रही थी, उसका टाइमिंग एकदम ज़बरदस्त हो गया। तो आज बहुत उठा मैं ट्रेन में, सो उज्जैन आ गए, उज्जैन में पोहे ले रहे हैं। में काफ़ी लेट हो गया तो सारमती एक्सप्रेस अभी उज्जैन जो उज्जैन पे आ गई है, आप उज्जैन आ गए तो पोहे और चाय का एंजॉय करते हैं, फिर आगे जैसा है आपको वीडियो में शेयर करूँगा। ये ट्रैवलिंग हमने की है सारमती एक्सप्रेस से, मैंने आपको वीडियो में बताया है। ये ट्रेन मोस्ट ऑफ गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में चलती है, बनारस तक जाती है। तो ये आप देखो उज्जैन जो है उसके आगे जा रहे हैं। जो ट्रेन मोस्ट ऑफ इसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट तो है मध्य प्रदेश के बीच से ही, जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो उधर ही से गुजरता है। अब जो ट्रेन चलती है उसके आसपास का जो व्यू होता है आजू बाजू का, जो वो भी मैंने शूट किया, काफ़ी खूबसूरत होता है। मोस्ट ऑफ ये ट्रेन जो है एमपी में तो बीहड़ इलाके में ही चलती है, सुनसान इलाका है, आप देख सकते हो काफ़ी सुनसान होता है। यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, उसके आसपास ऐसे चलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।